डायलॉग तो उसमें का एक फेमस था, अरे साला ये तो सकल वाला मुआ भरे अलका तरह लगा था ये तो थोड़ा सा मेहमान का मजाक उड़ा पक्का पे हाथ रखते हैं, बोलते मार इसके, तो बेटा बोलते हाथ नहीं हटाना पापा, तो नहीं हटाएंगे, तो मारता था हाथ में हटा लेता है, तो चिल्लाता है अपना, इसी को बोलते हैं राजनीतिक, अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना। मैं पढ़ा लिखा बस घींच घाच के मैट्रिक फेल हूँ। मैट्रिक फेल है ऐसे काम वाले मजाक उड़ाया आपको स्टार्टिंग में? तो उड़ाता है बहुत लोग है, ऐसा कुछ नहीं है, हम छुप छुप के बनाते थे। अभी वे लोग क्या समझते हैं? स्वागत है अपन गोपाल सिवान में और मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी। आज हमारे बगल में देख सकते हैं बिहार के पूरे भारत के अभी स्टार हैं और छोटे पर्दे का स्टार है। हम सबसे पहले इनका आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। थैंक यू भाई। क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं सबको दिल से सलाम आदाब नमस्कार और रक्षाबंधन की ढेर सारा शुभकामना। सबसे पहले एक सवाल हमारा है कि कॉमेडी लाइन में आने का आपके पास दिमाग कहाँ से आया? नहीं, हम शुरू से ही कॉमेडी बना रहा हूँ टिकटॉक से। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले बनाते थे लेकिन गाना वाना पर कभी काल ऐसे अकेले, लेकिन कोई पार्टनर नहीं मिलता था। ओके, पहला आपका वीडियो कौन सा है ये आपको याद है अभी? भाई टिकटॉक पे, टिकटॉक पे बहुत सारा वीडियो याद नहीं है लेकिन वायरल हुआ था, या वायरल कब हो गया था, सब वायरल होते चला गया। सब वायरल होते गया ये। हाँ। कोई ऐसा वीडियो आप बताएं जो एक वीडियो आप... था जो मतलब ज़्यादा वायरल हुआ था, उसे फॉलोअर्स ज़्यादा आए थे। एक रील था मेरा, उस पर था कि पापा राजनीतिक सीखना है मुझे, तो बोलते हैं अच्छा बेटा राजनीतिक सीखेगा, चल मार इस पर, पक्का पे हाथ रखते हैं, बोलते मार इसके, तो बेटा बोलते हैं हाथ नहीं हटाना पापा, बोलते नहीं हटाएंगे, तो मारता था हाथ में हटा लेता है, तो चिल्लाता है अपना, इसी को बोलते हैं राजनीतिक, अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना, नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और बताइए, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं, और जो नए युवक जो आजकल काम कर रहे हैं उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और टिप्स क्या बताना चाहेंगे? नए युवा यूट्यूब से जो जुड़े हैं उसको जी जुड़े रहिए, अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप लोग लगे रहिए और काम कीजिए, अच्छा पब्लिक को इंटरटेन कीजिए। आपका खुद का वीडियो फेवरेट आपका कौन सा वीडियो है? मेरा खुद का वीडियो फेवरेट बहुत सारा वीडियो फेवरेट है, बनाते हैं तो सब फेवरेट है, बनाते हैं ना, हम खुद बनाते हैं, सबका डायलॉग वाला सब अपने ही से क्रिएट करते हैं। एक चीज़ और हमें बता दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या, यानी आप शुरू से अभी तक पढ़े लिखे? मैं पढ़ा लिखा बस घींच घाच के मैट्रिक फेल हूँ। मैट्रिक फेल है, घींच घाच के मतलब गया, मतलब फेल हो गया, उसने छोड़ दिया। एक चीज़ और बताइए, पहले और अभी में जैसे कि घर वाले कभी किसी को साथ देते हैं काम करने के लिए, जो टिकटॉक आप पहले बनाते थे और अभी जो आपको देख रहे हैं, दोनों में क्या आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है? नहीं, पहले भी बनाने देते थे लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब ओवर हो गया ना, अभी दिन भर बनाते, मतलब दिन में शूटिंग रहता है, ऐसा दिखे तो। कोई ऐसे काम वाले मजाक उड़ाया आपको स्टार्टिंग में? तो उड़ाता है बहुत लोग है, ऐसा कुछ नहीं है, हम छुप छुप के बनाते थे। अभी अभी वे लोग क्या समझते हैं? अभी ओपन बनाते हैं, पहले छुप के बनाते थे कि कोई देखेगा तो साला कहीं गरियाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक आपका कॉमेडी था जो शादी हॉल बारात हो रहा आया हुआ था, उसमें एक वीडियो आपने बनाया था जिसमें पैर उठ पर कुचला जा रहा है बैंड बाजा का, तो उसमें आप वो सेट लगाए हुए थे या बारात कहीं आया था वहाँ पे वो शूटिंग किया हुआ था? नहीं, अपना सेट लगाए थे। थोड़ा सा उसमें से एक बार हमारे दर्शकों को सुना दे वो वीडियो। डायलॉग तो उसमें का एक फेमस था, अरे साला ये तो सकल वाला मुआ भरे अलका तरह लगा था ये तो थोड़ा सा मेहमान का मजाक उड़ाया जाता है, तो हम लोग भी मजाक के हिसाब से बोले। एक चीज़ और मनी मेराज भाई, एक चीज़ बता दीजिए, अब बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे सोशल मीडिया जो काम करते हैं, अच्छे अच्छे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज तक तो कोई नहीं बता पाया है अर्निंग क्या है आपका इससे? अर्निंग क्या, हम लोग इससे 15 फैमिली जुड़े हैं, सबका घर थोड़ा बहुत चल जाता है, बस दूसरा क्या। आपके टीम में 4-5 आदमी है? नहीं, आप देखते होंगे 8-10 आदमी थे, देखते होंगे। स्टार्टिंग में 4 ही आदमी थे? अरे स्टार्टिंग में 6 आदमी से स्टार्ट, 6 आदमी थे। तो जो आपके टीम में जो टीम जो आपकी काम करती है, ये आपस में कभी कभी मतभेद होता है कि नहीं होता है? तो कहियो नहीं, कभी नहीं होता है, आज तक कभी हुआ ही नहीं। चलिए आखिर समय जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, AGS ना, AGS अपन गोपालगंज के माध्यम जितने भी हमारे मेरे फैन या इनके फैन देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। शादी कब कीजिएगा? शादी करेंगे, अभी बताएंगे आप लोगों को, बताएंगे। चलिए, थैंक यू एंड लव यू।